नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक, आपको मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, Instagram पर बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनका प्रोफाइल पिक्चर कुछ ऐसा रहता है जैसा कि हमें लगता है कि एक स्टोरी स्पेशली अपडेट किया हुआ है, लेकिन हम जब प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करते हैं तो कोई भी वहाँ पर स्टोरी नहीं रहता, क्योंकि उनका जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर ही एक स्पेशल बॉर्डर ऐड किया हुआ है। तो इसके लिए हमें लगता है कि एक स्टोरी अपडेट किया हुआ है, लेकिन हम जब टैप करते हैं उसमें कोई भी स्टोरी नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसा एक बॉर्डर अपने प्रोफाइल पिक्चर पर कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अपने इस प्रोफाइल पिक्चर पर स्टोरी बॉर्डर के साथ साथ आप एक वेरीफाइड बैज भी अटैच कर सकते हैं, जिसके कारण आपके प्रोफाइल वेरीफाइड जैसा लगेगा, लेकिन वेरीफाइड नहीं होगा, लेकिन एक फेक वेरीफाइड बैच आप अटैच कर सकते हैं इसकी मदद से। दोस्तों, ऐसे प्रोफाइल पिक्चर लगाने का एक फ़ायदा है कि आप जब भी किसी को मैसेज करेंगे तो उसको लगेगा कि एक वेरीफाइड प्रोफाइल से मैसेज आया या फिर कोई भी एक क्लासी प्रोफाइल से मैसेज आया है। तो हो सकता है दोस्तों आपका प्रोफाइल चेक कर ले और आपका अगर फीड पसंद आ जाए तो आपको फॉलो भी कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने प्रोफाइल पर जेन्युइन फॉलोअर भी ग्रो कर सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए कोई भी बाहर से ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने ब्राउज़र से ये ऐप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे करते हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल वाले बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए इंस्टा रॉकेट। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन रिकॉर्ड पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ गूगल पर इंस्टा रॉकेट। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इंस्टा रॉकेट सर्च किया, आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, इंस्टा रॉकेट पहले आ गया और इसके बाद ऐड ए बॉर्डर टू द प्रोफाइल एक लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ये साइट थोड़ी देर के लिए लोड होगा पर इसके बाद रिफ्रेश हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश हो गया है। अब इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स है, जैसे कि बॉर्डर्स है, आप इनमें से कोई भी बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहला वाला सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर वेरीफाइड बैच ऐड करूँगा, तो दोस्तों इस वेरीफाइड को टिक कर दूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर टिक हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर अपलोड इमेज की ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर अपने कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जो इमेज सिलेक्ट किया वो अब अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्या होगा कि आपने जिस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है उसके ऊपर वो बॉर्डर और वो वेरीफाइड बैच अटैच हो जाएगा, अपने आप ही अटैच हो जाएगा। आप यहाँ पर जब फोटो अपलोड करते हैं तो उसका ही जो सर्वर है वहाँ पर जाके ये एडिट होके आपके पास आएगा। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मेरा जो पिक्चर था उसमें वेरीफाइड बैज और वो बॉर्डर ऐड होके आ गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं, यहाँ पर आपका खुद का भी ईमेल आईडी दे सकते हैं या कोई भी फेक ईमेल आईडी भी दे सकते हैं यहाँ पर, और देने के बाद इसको डाउनलोड पर क्लिक करना होगा, तभी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब जब ये प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड हो गया तो अब इसको हम प्रोफाइल पिक्चर पर सेट करेंगे। तो कैसे ये इस प्रोफाइल पिक्चर को सेट करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिए। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन रहता है, उसको हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद चेंज प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन रहता है, इस प्रोफाइल फोटो को हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, न्यू प्रोफाइल फोटो इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, रिमूव प्रोफाइल फोटो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर न्यू प्रोफाइल फोटो पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो लेटेस्ट पिक्चर है वही सामने पहले आ जाएगा, तो इसको हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे, इसके बाद ही ये आपका सेट हो गया है। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर जो था पहले से, ये नया वाला सेट हो गया है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर पर। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को नए प्रोफाइल पिक्चर के साथ सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा आईडी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा आईडी लिखा हुआ है, आप वहां से जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।